मेरा नाम केसी सैनी है। बाथरूम से बाहर निकल रहा था, एकदम बहुत भारी स्पैन हुआ। उसके बाद में हॉस्पिटल में लेके गए सीएचएल में, उन्होंने भी देखा करा। 2-4 दिन तक उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा, तब तो उसने पता लगा कोई नर्स है जो ट्यूमर उसको दबाता है, उससे स्पेन होता है। यहाँ से उन्होंने वहाँ पर इंदौर में रेफर कर दिया। 8 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ, कुछ टाइम तक अच्छा रहा। उसके बाद में फिर वही परेशानी पैदा होगी, जैसा कुछ भी उनको जानकारी मिली होगी। डॉक्टर वही पहले तो डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, चोपड़ा साहब से पलाशिया में, तो ये लोग उससे मिले, उन्होंने गारंटी दी 15 दिन में खाना पीना भी शुरू हो जाएगा और ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर तो सभी हैं, बहुत है, उससे भी बहुत बड़े बड़े, बाकी उसका जो मतलब ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो सेट फुल है। अपनी बीमारी के समस्या बताएं डॉक्टर साहब से, एक बार जरूर मिले पलासिया में। मेरा नाम मुकेश सैनी है, मैं उज्जैन एमपी में रहता हूँ। ये मेरे फादर हैं मिस्टर केसी सैनी। सन 2014 में पापा को स्पाइन में ट्यूमर जनरेट हुआ था। इसका हमने सीएचएल इंदौर में ट्रीटमेंट करवाया था, जहाँ डॉक्टर ने सर्जरी करके उस ट्यूमर को बाहर निकाल दिया था। अगेन 2 साल बाद 2016 में उसी जगह पर वही ट्यूमर रीजनरेट हो गया। वापस से हम डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर ने कहा कि इसे वापस रीओपन करना पड़ेगा। हमने अगेन उसको रीओपन कराया, लेकिन अगेन 2 साल बाद पापा को 2018 में फिर उसी जगह पे ट्यूमर रीजनरेट हो गया। अब हम डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इसका रीओपन नहीं हो सकता है, अब आप घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। उस स्थिति में क्या हुआ कि पापा के कमर का पूरा नीचे का हिस्सा एक तरीके से ख़त्म हो गया था। पापा अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते थे और अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाते थे। पापा को जो ट्यूमर था उसको मेडिकल लैंग्वेज में मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। 2 महीने तक पापा हमारे बेड पर रहे। 2 महीने बाद हमें पता चला डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के बारे में, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी की एक ऐसी इन्वेंशन की है और उसी के द्वारा पापा का ट्रीटमेंट हमने चालू किया और आज पापा हमारे बिल्कुल 100% ठीक है उस बीमारी से, और अपने सारे स्वयं के जो कार्य हैं वो स्वयं कर लेते हैं और पूरी कॉलोनी में वॉकर के द्वारा आराम से घूम ले लेते हैं। तो हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर को और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी को दिल से धन्यवाद देते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी की सबसे अच्छी बात यह है कि उस मेडिसिन का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि एलोपैथी में जनरली पेशेंट को वहन करना पड़ता है। मेरे पापा को लगभग 2 साल हो गएंगे सर की दवाई लेते हुए। पापा के बाद भी मैंने कम से कम काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट, सभी को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को सजेस्ट किया है और जो जो लोगों ने भी डॉक्टर साहब की मेडिसिन ली है आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। एक गॉड की तरह ही मानता हूँ मैं उनको कि हमारे लिए तो भगवान बन के आएंगे और हमारे पापा को बिल्कुल ठीक करा है, आज वो हमारे साथ हैं। धन्यवाद।